12th class. Yes, beta. आज हम डिस्कस करने लगे हैं applications of integration के 2021 compartment exam में पूछे गए questions. 2021 के compartment में बात करें तो बेटा ये pattern था, मैं already आपसे discuss कर चुकी हूँ. इसमें जो application of integration के question थे वो थे 1 question 2 mark का and 1 question 3 marks का. That means total 5 marks का question आपका इसमें से आया था. चलिए questions लिखते हैं 1 by 1. Yes, first question is using integration, find the area bounded by the curve y square is equal to 4x, y axis and y is equal to. Y square is equal to 4x, बेटा आपको clear cut पता है, parabola है. Parabola along x axis, symmetric about x axis and towards right side, right? Vertex origin towards right side. Y axis आपको पता है y is equal to 3 means a line parallel to x axis passing through 0, 3. ओके, ये सभी आपको कंसेप्ट पता होंगे, आपने इन सबको ड्रॉ किया. दिस इज y axis, दिस इज पैराबोला y square is equal to 4x, दिस इज y is equal to 3. वी कैन राइट हियर, दिस इज y is equal to 3. This is y square is equal to 4x and this is the y axis. We already know this is y axis. Okay. तो आपको जो एरिया निकालना है इन सब से कवर्ड निकालना है, बाउंडेड. ये पैराबोला y axis and this axis. That means आपने ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया आपने निकालना है. ये जो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस. तो यहाँ आपको आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम वाई एक्सिस के साथ कैसे एरिया निकालते हैं. ओके, तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन एक्स एक्सिस के साथ है, बट आपको बार बार कहा गया था कि ये भी प्रैक्टिस रखनी है और हमने किए भी थे क्वेश्चन. तो अभी भी हमने विद वाई एक्सिस निकालना है. आप क्लियर कट देख रहे हैं इस पैराबोला के अंडर 0 से 3, y is equal to 3 है ना, ये 0 से 3 पैराबोला के अंडर अप टू y एक्सिस ये एरिया. तो आपका पैराबोला के लिए कुछ मेंशन करना है कर लीजिए, अदरवाइज स्टैंडर्ड पैराबोला आप ड्रॉ कर सकते हैं. रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है बेटा, सीधा रिक्वायर्ड एरिया पे आ सकते हैं आप. दैट इज x इंटू डी वाई, इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y From 0 to 3, y varies from 0 to 3. ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है. जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये x हो रहा है, जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये y है. ठीक है, अब x कहाँ से आना है, यहां से, इस कर्व से. इस कर्व से x क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 4. ओके, y स्क्वायर अपॉन 4. 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, y square को आप इंटीग्रेट कर दो तो y/3/3 और इसमें लिमिट लगेगी 0 to 3. अगेन 1/12 आपका कांस्टेंट हो गया, 3 पुट किया y क्यूब में, माइनस 0 पुट किया y क्यूब में, दिस इज 27 - 0, दैट मीन 27 इटसेल्फ, सॉरी 12, और ये आपका बिल्कुल 3 से कैंसिल हो सकता है. 3 9s are 3 4s are, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट्स. आप चाहे तो इसे बिल्कुल डेसिमल में भी ले सकते हैं, 4 2s are 4 2s are 4 5s are. 9/4 भी बिल्कुल छोड़ सकते थे, 2.2.5. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सिंपल क्वेश्चन, बट ये विद रिस्पेक्ट टू वाई था तो उसकी भी प्रैक्टिस आपने करनी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Using integration, find the area of the region bounded by the line this x axis, x is equal to 2 and x is equal to 4. This line I think आप easily draw कर सकते हैं. Line आपने consider की, line के लिए आप table construct कर लीजिए. X and y की दो values ले लीजिए. Okay, 1 x 0 लिया तो y 4 होगा और y 0 लिया तो x 8 होगा. ठीक है, बस इसको लेके आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए. लाइन ड्रॉ की हमने, ये लाइन आई बेटा, दिस इज
2y is equal to minus x plus 8. This is x axis. ठीक है, अगली है x is equal to 2. x is equal to 2 आपको पता है बेटा line parallel to y axis. And next है x is equal to 4. ये भी line parallel to y axis passing through 4, 0. ठीक है, 2, 0 से x is equal to 2 pass होगी, 4, 0 से x is equal to 4 pass होगी. तो इन सबसे bounded चाहिए. इस line, इस line, इस line, इस line और x axis. That means कौन सा area हो गया? This. ओके, ये एरिया हमने कैलकुलेट करना है. अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? डायरेक्टली पता चल रहा है बेटा, विद एक्स एक्सिस है और लाइन के अंडर है, राइट? लाइन के अंडर है, विद एक्स एक्सिस है, फ्रॉम 2 to 4. सिंपल, डायरेक्ट पता चल रहा है. अब आपने जो एरिया लिखना है, तो y विद रिस्पेक्ट टू x एंड लिमिट्स डेफिनेटली 2 to 4. ओके, y कैलकुलेट कर लीजिए. यहां से y इज नथिंग बट माइनस x प्लस 8 बाय 2. ओके, माइनस 1 बाय 2 इज कांस्टेंट, x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर बाय 2 और ये आपका प्लस 4, 4 का इंटीग्रल 4x और आपने लिमिट रखनी है 2 to 4. ओके, दिस इज माइनस 1 बाय 4, 4 लिमिट रखी 4 स्क्वायर 16, फिर 2 लिमिट रखी 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 टाइम्स 4 माइनस 2. कैलकुलेशन आपकी अपनी है बेटा, कैसे भी करते हो, आपको बार बार कहती हूँ. 16 माइनस 4 12, 12 4 3 जा 12 तो माइनस 3 और ये हो गया 2 4 जा 8, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया. ओके, आपकी फिगर करेक्ट बन जाती है तो फिर बस आपने ध्यान रखना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस के साथ. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. फिर using integration find the area bounded by the circle x square plus y square is equal to 9. yes, circle आपको clear cut identify हो रहा है बेटा. standard equation है center 0 0 and radius 3. इसको 3 square लिख सकते हैं ना हम. center is circle का 0 0 and radius 3. easily circle draw कर सकते हैं आप. circle draw हो गया आपको, दैट मींस की कंप्लीट एरिया पूछा है. तो यू नो द फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर से आप चेक कर सकते हैं, बट यहाँ इंटीग्रेशन यूज करना है, डू रिमेंबर. ठीक है, अब आप देखो तो ये सिमेट्रिक पार्ट्स हैं, 4 सिमेट्रिक पार्ट. ये अगर आप एक पार्ट काउंट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट सिमेट्रिक दिख रहे हैं सभी. तो रिक्वायर्ड एरिया आपका 4 टाइम हो जाएगा किसका, जो एरिया हमने शेड किया है उसका. डेफिनेटली आप एक बार शेड पूरा करो एरिया बेटे, जो कैलकुलेट करना है आप उसको. हम डबल जैसे किया हुआ डबल छोड़ देंगे, इसको हम सिंगल छोड़ देंगे, पर जितना एरिया कैलकुलेट करने को कहते हैं उसको शेड जरूर करिए एक बार. 4 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई डी एक्स, एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 3. ठीक है, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते चाहे वाई निकालते, 0 to 3. वाई आपका यहाँ से कैसे आ जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ये ध्यान रखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन हमने रेगुलर प्रैक्टिस में बहुत किया और आपको कहा भी था, ये बिल्कुल याद रखिए कि ये फॉर्मूला आपका यूज होता है इसमें बार बार, किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का इंटीग्रल. लेट मी जस्ट रिकॉल, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2. यहाँ बच्चे माइनस लगा देते हैं बहुत बार, बी केयरफुल. साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो डेफिनेटली यहाँ हमने नहीं लेना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है. पुट करिए बेटा बस फॉर्मूला, दिस इज एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट 3 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए विच इज 3. इसकी लिमिट लेंगे हम 0 to 3 और डेफिनेटली 4 आउटसाइड है. हम देखिए कैलकुलेशन हमारी, अब हमने पुट करना है
देखिए टू टू दोनों में है तो मैं एक ही बार टू बाहर ले सकती हूँ, फिर कैलकुलेशन कर सकती हूँ। थ्री यहाँ पुट करूंगी, थ्री स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर जीरो होने वाला है। फिर मैं इसी एक्सप्रेशन में पहले जीरो पुट कर दूं तो बेटे ये एक्सप्रेशन जीरो होके पूरा एक्सप्रेशन जीरो होगा, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट कर दी। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में ध्यान रखिए टू मैं बाहर ले चुकी हूँ, थ्री स्क्वेयर इज नाइन। जब मैं इसमें थ्री रखूंगी तो साइन इनवर्स वन हो गया, और जब मैं इसमें जीरो रखूंगी तो साइन इनवर्स जीरो हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स वन इज व्हाट, दैट इज साइन पाई बाय टू, एंड साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, सो दिस एरिया इज नाइन पाई स्क्वायर यूनिट्स। और आप ध्यान रखो अगर वैसे भी कैलकुलेट करते पाई आर स्क्वायर, रेडियस थ्री थी, पाई इंटू थ्री स्क्वायर नाइन पाई, ठीक है। चेक आप बिल्कुल कर सकते हो अपने फॉर्मूलाज मेंसुरेशन के जो याद किए हुए हैं वहां उसको यूज करके, बट निकालना इंटीग्रेशन यूज करके। ओके सिंपल टू गेट, सिमेट्रिक पार्ट्स है, ध्यान रखिए फोर इक्वल सिमेट्रिक पार्ट्स, तो फोर टाइम्स किया हमने एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके सो दैट सॉल्व फॉर दैट बेटा, आई होप आप सबकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। बिल्कुल इन वीडियोस को अच्छे से यूज करिए बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। चलिए दैट्स ऑल।